गुड मॉर्निंग। आज लेक्चर थर्ड में है, चैप्टर जो है वो 14 चल रहा था एलपीपी एक्सरसाइज 14.1। हम पहले दो लेक्चर में 14.2 को कर चुके थे, जिसमें हमने देखा जेड जो रिप्रेजेंट कर रहा था मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मिनिमाइज कॉस्ट, मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम आउटपुट। कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल मिनिमम होने चाहिए, खर्चे कम से कम बट प्रॉफिट ज़्यादा। तो आज इक्वेशनों को हमने सॉल्व करना सीख लिया था, तो आज हम उनको फॉर्मुलेट करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। कुछ प्रॉब्लम्स दी होंगी, उनको हम फॉर्मूला बना लेंगे। फॉर्मूला मतलब कंस्ट्रेंट्स में चेंज कर लेंगे, कंस्ट्रेंट मतलब इनइक्वालिटीज में चेंज कर लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है 14.1 से आपकी बुक में, एक डेकोरेटिव आइटम डीलर से डील्स विद टू टाइप्स ऑफ आइटम, वॉल हैंगिंग एंड आर्टिफिशियल प्लांट। वॉल हैंगिंग कॉस्ट भी दे रखी है, आर्टिफिशियल प्लांट की कॉस्ट भी दे रखी है। जितना टोटल उसके पास अमाउंट है वो स्पेंड करने को भी दे रखा है, 15,000 है मेरे ख्याल से, आई थिंक सो, जो भी 15,000 इन्वेस्ट कर सकता है। और कहता है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी दे रखी है, मेरे से 80 पीस स्टोर कर सकता है, 80 पीस स्टोर कर सकता है। तो कहता है एक डेकोरेटिव आइटम डीलर है, डील विद टू टाइप्स ऑफ आइटम, वॉल हैंगिंग आर्टिफिशियल प्लांट, ही हैज रुपीज 15,000 टू इन्वेस्ट, 15,000 इन्वेस्ट कर सकता है। एंड स्पेस ऑफ स्टोरेज की देखो 80 पीस दे रखे हैं, कॉस्ट भी दे रखी है वॉल हैंगिंग की कुछ 300 रुपये के करीब, और आर्टिफिशियल प्लांट की कितनी दे रखी होगी 150 रुपीज के करीब की, ठीक है। ही कैन सेल ए वॉल हैंगिंग, बेचता भी है, प्रॉफिट देता है उस पर 50 रुपये वॉल हैंगिंग पे और 18 रुपये आर्टिफिशियल प्लांट पे। एज्यूम करो, मान लो ही कैन सेल ऑल द आइटम्स व्हाट दे बाय, जो वो खरीदता है वो सारी सारी आइटम बेच देता है। फॉर्मुलेट आगे ना फॉर्मुलेट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो इस टॉपिक ने 6 नंबर में बोर्ड में आना ही आना होता है, 100% आएगा आपको। अगर देखो तो हम इस पूरे टॉपिक की वीकनेस जो है वो हम अपने आप में ले सकते, अपने आप में सोच सकते हैं। इस टॉपिक में वीकनेस है, कमजोर पॉइंट है, जो हमारे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा। मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा, आपने भी पढ़ा अपनी बुक में से, बिना पढ़े नहीं चलना। 14.1 खोल लो, जो मर्जी एलिमेंट्स की बुक, जो मर्जी ईयर की हो, 2019, 2018, 2017, 2016 सब चल जाएंगे। चलो तो पहला क्वेश्चन पढ़ा, इसमें एक वीकनेस है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपने देखना है आराम से, उसको समझना है और उसी को हमने अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लेना है। क्या है, हर क्वेश्चन बोल रहा है या बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि हमने 14.2 की उसमें जेड आएगा ही आएगा, जेड पे हमने कॉर्नर पॉइंट पे चेक करते थे मैक्सिमम मिनिमम, तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज बोलना पड़ेगा इसको, जैसे 8.6 में बोलता था हर क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम एरिया वॉल्यूम बोलना पड़ता था जिससे क्वेश्चन स्टार्ट होता था, ऐसी इसकी हर हर क्वेश्चन में मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वर्ड लास्ट या सेकंड लास्ट लाइन में जरूर लिखा होगा। दोबारा बोल रहा हूँ, जो एलपीपी वाले क्वेश्चन है, चाहे आप 14.1 देख लो, चाहे इसके एग्जांपल देख लो, 14.3 देख लो, एग्जांपल देख लो, रैंडमली 10-12 क्वेश्चन देख लो आप, मैं 60 सेकंड आपको दे रहा हूँ रैंडमली से स्टेटमेंट देख लो, सिर्फ आपने लास्ट लाइन पढ़नी है या सेकेंड लास्ट लाइन, उसमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वर्ड दिया ही दिया होगा, बिना उसके कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अब पढ़ के देखो, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, मैं 60 सेकंड दे रहा हूँ, 1 मिनट पूरा दे रहा हूँ आपको। चलिए तो खत्म हो गया, तो लास्ट और सेकंड लास्ट लाइन में आप लोग देख रहे हो कि मिनिमाइज या मैक्सिमाइज आपको करना ही है, बिना मिनिमाइज बिना मैक्सिमाइज के कोई क्वेश्चन नहीं दिया मैंने आपको, 60 सेकंड दिया उसको देखने के लिए। तो पहला भी है, एक डेकोरेटिव आइटम डीलर्स है, डील्स विद टू टाइप्स ऑफ आइटम, वॉल हैंगिंग एंड आर्टिफिशियल प्लांट। वॉल हैंगिंग कॉस्ट दे रखी है और आर्टिफिशियल प्लांट की भी कॉस्ट दे रखी है, वॉल हैंगिंग कॉस्ट 300, आर्टिफिशियल प्लांट की 150, वो मैंने सारा पढ़ दिया था। पर आपने देखा लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, फॉर्मुलेट द अबव लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, प्रॉफिट को क्या करना है मैक्सिमाइज। जिनके पास अभी बुक नहीं है बेटे, 2 मिनट में बुक ले आओ अपने अपनी जहाँ पे आपके पास है, तो ठीक है। और अगले क्वेश्चन में भी देखो दिया हुआ है मैक्सिमाइज प्रॉफिट, उससे अगले क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, देखो आपको क्या दिया हुआ है, मिनिमाइज द कॉस्ट। तो मेरे हिसाब से आपने पढ़े हो तो देखो आराम से, लास्ट सेकंड लास्ट टाइम में दिया हुआ है, और इसी पॉइंट को हम अपने में उठा लेंगे, इसी में उठा लेंगे। क्या मतलब, हम जब इक्वेशन बनाएंगे, तो हमने कल लास्ट और सेकंड लास्ट लेक्चर में देखा था जेड हर एक क्वेश्चन में था, जिसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर रहा था, इसमें भी है, तो हम इसी वाले को उठा के अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे। तो देखो मैं कैसे बनाऊंगा, कैसे इक्वेशन को यूज बना, स्टेटमेंट को इनइक्वालिटीज में चेंज करूंगा। उससे पहले कुछ रिजल्ट हैं, रिजल्ट मतलब आप इस बात को पहले से हमने प्लस वन में पढ़ा हुआ है, सिंबल्स हैं ये, हमारे पास कुछ नाम होते हैं
और ये उसके कुछ सिंबल्स होते हैं जो हमने पहले से पढ़े। मैं एक बार रीकैप दे दूं, आप भी नोट कर लीजिएगा, काम आ जाएंगे आपके। जहाँ एटलीस्ट होता है वहाँ कौन सा सिंबल यूज करते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटीज के अंदर सारा चलना है। तो वैसे तो हमें पता भी हो, फिर भी एक बार कर लो। एटलीस्ट 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 का मतलब होता है कम से कम। तो कम से कम भाई इतना तो होगा ही होगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो सिंबल यूज होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। कम से कम हमें इतना तो चाहिए चाहिए, एटलीस्ट हमारे पास 100 रुपीज होने चाहिए। तो कम से कम 100, उससे ज्यादा भी होंगे तो देख लीजिएगा। अगर आप समझ है आप तो उसको नोट करेंगे, तो कभी ना रहे तो आप इसमें से देख सको। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। तीसरा है नॉट मोर देन, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। नॉट मोर देन, इतना या इससे कम होगा। फोर्थ है नॉट लेस देन, इससे कम नहीं चाहिए, इतना या इससे ज्यादा तो चाहिए चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट, मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट इतनी है, इतनी रिक्वायरमेंट तो मेरी है। मेरे को मार्केट में जाना है तो मेरी मिनिमम रिक्वायर्ड है कि मुझे 1000 रुपीज लेके जाना है। मैक्सिमम टाइम अवेलेबल या मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल, मैक्सिमम टाइम अमाउंट अवेलेबल, तो ये सब चीजें तो आपको पता ही। मैक्सिमम तो इतना ही टाइम है, मतलब एग्जाम को करने के लिए आपके पास कितने का टाइम होता है, तो वहाँ लिखा होता है मैक्सिमम टाइम 3 आवर्स। क्यों लिखा होता है मैक्सिमम, 3 या उससे कम टाइम आप ले सकते हो। परमानेंट ऑर्डर है, आप अगर फैक्ट्री या कोई कंपनी चला रहे हो तो आपको ऑर्डर मिल रहा है, तो आपके पास परमानेंट ऑर्डर कितना तो आ गया। परमानेंट ऑर्डर मतलब जब आपको किसी का फोन आया किसी दूसरी फैक्ट्री या दुकानदार से भी, मेरे इतने पीस बना के रख लेना, परमानेंट ऑर्डर आ गया 50 पीस बनाना। तो क्या आप 50 बनाओगे, क्योंकि तो वही आपका ग्राहक नहीं है, आपके तो और भी कस्टमर है। या फिर आप मार्केट में जाके अपना ट्रेडिंग भी करते हो अपनी प्रोडक्ट की, तो आपको और प्रोडक्ट भी बनाने हैं। नहीं तो सैंपल तो बना के रखोगे, कोई और ग्राहक आ गया तो क्या करोगे। मान लो मैंने आपको 50 ऑर्डर कर दिए प्लाई के, प्लाई बोर्ड के 50 पीस बनाना, आपने 50 बना के मुझे दे दिए, पूरे महीने में कोई और ग्राहक नहीं आएगा क्या? कोई और आएगा तो उसको सैंपल कहाँ से दिखाओगे, तो फिर वो देगा कैसे। तो परमानेंट ऑर्डर मतलब इतना तो होना चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकता है। स्टोरेज कैपेसिटी एक है, स्टोरेज कैपेसिटी स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब क्या होगा, इतना तो आपको स्टोर करना ही करना है, इससे ज्यादा भी आप कर सकते हो। स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी मतलब इतना तो कर सकते हो, इससे ज्यादा भी कर सकते हो, गलत है। जब आपके पास एक रूम है मान लो जिसमें 50 पीस या 100 पीस आप स्टोर कर सकते हो, मतलब बाइक बनाने की कंपनी है उसने गोडाउन ले लिया, उस गोडाउन में 1000 पीस आप स्टोर कर सकते हो, तो आप 1000 तो कर सकते हो पर उससे ज्यादा नहीं। जैसे आपके घर में स्टोर बना होता है, जितना उसमें सामान आएगा उतना, उससे ज्यादा थोड़ी ना आ जाएगा या उससे कम। अगर एक गोडाउन है जिसमें 1000 पीस हम स्टोर कर सकते हैं, तो उसमें 1000 स्टोर कर सकते हैं, 500 कर सकते हैं, पर 1500 नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी इतनी है। तो सिंबल्स हैं कुछ, तो मुझे वैसे मैं आपको पर्सनली बात करूँ तो सारी बातें आपको पता थी, तो मैंने वैसे ही आपको रिवाइज करा दी। चलिए अब पहला क्वेश्चन है, तो जहाँ जहाँ अगर आपको लगेगा तो आप इसकी हेल्प ले लेना, एटलीस्ट एटमोस्ट इनइक्वालिटीज के साइन की, नहीं तो अपनी समझ से आपको पता है एटलीस्ट कम से कम, एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा। तो कोई आपके लिए आज के ये चीज़ें नहीं है जिनको आप करो, तो जो दिमाग से करेगा तो फिर वो तो इसको कवर कर ही देगा ज़्यादा से ज़्यादा। चलो नॉट मोर देन, इससे ज़्यादा नहीं होगा, नॉट लेस देन, इससे कम नहीं होगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम टाइम अवेलेबल, परमानेंट ऑर्डर, परमानेंट मतलब इतना तो मिलेगा, उससे ज़्यादा भी ऑर्डर मिल सकता है। स्टोर इतना तो करोगे, इससे कम करोगे। चलिए जैसे आप पहला क्वेश्चन कर रहे थे आपके पास, तो कहता है क्या बोल रहा था आपके पास कि कहता है एक एक आपके पास क्या है, डेकोरेटिव आइटम बिजनेस है, डील विद टू टाइप्स ऑफ आइटम। तो मैंने कहा इसकी वीकनेस थी जो मैंने आपको बताई थी, क्या हर एक के लास्ट या सेकंड लास्ट लाइन में क्या लिखा होता था, मिनिमम या मैक्सिमम। तो इसके लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम प्रॉफिट। दे तो ऐसे कॉलम बना लेना, बनाना कंपल्शन नहीं है, बना लोगे तो आपको एक बार, क्योंकि नॉन मेडिकल को थोड़ा सा इतनी बड़ी स्टेटमेंट पढ़ने की आदत नहीं होती, कॉमर्स को तो होती है, अकाउंट्स में होती है, तो नॉन मेडिकल चाहे टेबल बना ले, बनाना कंपल्शन ही है, पहले बोल रहा हूँ फर्स्ट है। तो टेबल बना लेना अगर बना सकते हो तो,
ये वाली मैंने रो कॉलम में बना ली है, ये ऐसे टेबल बना लिया, ये पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ ब्रीफ में आ जाएगा। तो चलिए जरा क्या रहेगा, मैंने ऐसे बना लिया कॉलम बना ली। सबसे पहला स्टेप है, जब मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ता था तो नहीं समझ आ जाती थी, तो मैंने इसको तोड़ तोड़ के पढ़ना सीखा, तो मैंने ये देखा कि हर क्वेश्चन में लास्ट या सेकंड लास्ट लाइन में मिनिमम मैक्सिमाइज वर्ड लिखा होता है, जो हमें 14.2 ने भी सिखाया, जेड जिसको हम निकालते हैं, कॉर्नर पॉइंट ढूंढते हैं, तो उससे हम करते हैं। तो पहला स्टेप मैं यहाँ से शुरू करूंगा, स्टेप वन में, ना यहाँ से ना यहाँ से, कहीं से भी नहीं, यहाँ से। यहाँ वो वाला बुक का वीकनेस या क्वेश्चन का वीक पॉइंट, इस हर एक क्वेश्चन में मैक्सिमम या मिनिमम लिखा होगा, पढ़ लो। जैसे इसमें लिखा था, क्या लिखा था, प्रॉफिट, वो क्या होना चाहिए मैक्सिमम, तो जेड क्या बताएगा, प्रॉफिट को, जो कि क्या होगा मैक्सिमम। ये कहां से लाया हूं, ये बुक में से, जो स्टेटमेंट पढ़ी उसमें से लाया। मैंने पहले जेड को ही निपटा दिया, आपने देखा होगा 14.2 में जब करी होगी घर पे, तो सबसे पहले ऊपर जेड लिखा होता है, फिर कंस्ट्रेंट बनाई होती है, तो हमने भी उसी पॉइंट को उठाया, जेड। जेड इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉफिट को, कैसे क्वेश्चन पढ़ लो, और वो क्या दिया हुआ है मैक्सिमम। अब मैं पूरा क्वेश्चन को पढ़ूंगा, उसकी स्टेटमेंट को देखूंगा, मेरे को प्रॉफिट कितना कितना दिया हुआ है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, एक डेकोरेटिव आइटम डीलर्स है, डील विद टू टाइप्स ऑफ आइटम, वॉल हैंगिंग एंड आर्टिफिशियल प्लांट। वॉल हैंगिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है, वो कहता है 15,000 रुपये उसको स्पेंड करने के लिए, 80 पीस स्टोर कर सकते हैं। वॉल हैंगिंग कॉस्ट दे रखी है 300 रुपये, आर्टिफिशियल प्लांट की 150 रुपीज। तो ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ, देखो लिखा हुआ है, अब लिखा है कि लिखा प्रॉफिट, हाँ लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, ₹50, सोचो पर यूनिट, 50 रुपये प्रॉफिट कमाते हैं हर यूनिट को बेच के, किसके, ये भी तो लिखे होंगे स्टेप टू में। इसके बाद ये भर लेना स्टेप टू में, किसके बेच के, वॉल हैंगिंग के बेच के। वॉल हैंगिंग का अगर एक पीस बेचता है तो उसको 50 रुपये प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है, दो बेचेगा 100 रुपये, तीन बेचेगा तो वो कहता है ₹50 पर यूनिट, और ₹18 है पर यूनिट, किसके लिए कमाता है, ₹18 पर यूनिट के लिए, कौन से के लिए कमाता है, आर्टिफिशियल प्लांट के। देखो लिखा कि नहीं लिखा, बस ये कहां दिया हुआ है बुक के अंदर, बुक में कहां, जस्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो ये लिखना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्या भला कि जेड क्या, क्योंकि तो आप जरूरी नहीं जेड लो, कोई बच्चा पी भी ले सकता है, कोई बच्चा एम भी ले सकता है, वो आपकी च्वाइस है, पी लेना तो पी भी ले सकते हो। लेट पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ जरा, जो पिछले वाले एक साइड में जो बुक वाला था जेड बोलता है, पी बोलना पी बोलो, मैक्सिमम क्या होगा, जेड बोलना जेड बोलो, ये जरूर लिखना, चाहे भले टेबल बनाओ ना बनाओ, पर ये लाइनें जरूर लिखनी है, क्योंकि इससे पता चलेगा आपने प्रॉफिट को पी माना है कि जेड माना है। लेट पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट, अब प्रॉफिट कितना दिया वो तो आपको लिखा हुआ है, 50 रुपीज कितना है यूनिट को बेच के, और वॉल हैंगिंग 18 रुपये कितना है, एक पीस बेच के, किसका बोला आर्टिफिशियल प्लांट, तो मार्केट्स में उसकी जेब में पैसे कितने थे जब वो खरीदने के लिए गया, सोचो जरा 15,000, और वॉल हैंगिंग, एक वॉल हैंगिंग कितने का था मार्केट में, 300 रुपये का लिखा हुआ है बुक में पढ़ो, आर्टिफिशियल प्लांट कितने का बताओ, 150 रुपीज का। तो मार्केट में जा रहा है, होलसेल मार्केट में जा रहा है एक दुकानदार, उसकी जेब में 15,000 रुपये है, 300 रुपये का ये है मान लो, 150 का ये है, तो एक एक पीस थोड़ा ना खरीदेगा होलसेलर, उसने तो कल को बेचना भी है, उसने तो उसमें प्रॉफिट भी कमाना है, तो कितने पीस वो खरीदता है वॉल हैंगिंग के, 10, 5, 7, 18, 20, डिपेंड करेगा उसकी जितनी डिमांड थी, तो कितने खरीदेगा वो, एक्स और वाई क्या होंगे, आर्टिफिशियल, एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा ये जरूर लिखना है, चाहे भले टेबल बनाओ ना बनाओ, ये तीन लाइनें जरूर बतानी पड़ेंगी कि प्रॉफिट को आप पी मान लो, जेड मान लो, एक्स किसको मान रहे हो, तो एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, सोचो, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वॉल हैंगिंग, एक एक थोड़ा वो खरीदेगा, जाएगा दिल्ली जाता है मान लो यमुनानगर से वॉल हैंगिंग खरीदने के लिए, वो एक पीस वॉल हैंगिंग का खरीद लाएगा, ऐसा थोड़ा ना करेगा कुछ, तो प्रेम आप जब 15,000 जेब में लेके जा रहा है आपके पास, तो कुछ ना कुछ पीस तो खरीदेगा, 2 खरीदेगा, 4 खरीदेगा, 6 खरीदेगा, उसको पता है मेरी मार्केट में कितनी सेल, जैसे मैंने बोला था एक बुक
शॉपकीपर था, वो क्या जाता है, दिल्ली जाता है, ज्योमेट्री बॉक्स लेता है, कार्डबोर्ड लेता है, बुक्स लेता है, नोटबुक लेता है, जो एग्जाम्पल बताया था, तो ज्योमेट्री बुक्स एक एक थोड़ा खरीद के लाएगा, हम एक एक खरीदेंगे, हम कस्टमर हैं, वो दुकानदार है, वो तो प्रॉफिट कमा रहे हैं, तुम अपने खरीद के थोड़ा प्रॉफिट कमाते हो, मान लो मार्केट से एक ज्योमेट्री बुक्स लाए और खुद को ही बेच दोगे प्रॉफिट के लिए, वो तो दुकानदार लिखे रहे, तो दुकानदार की बात करें, दुकानदार कितने लाएगा एक्स और वाई क्या लाएगा बताओगे, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आर्टिफिशियल प्लांट, चाहे भले ही आप टेबल मत बनाना बोर्ड के अंदर, पर यहां से जरूर क्वेश्चन शुरू करना है कि आप बी एक्स वाई जेड कॉमर्स वाले जो बैठे हैं मेनली वो, कोई नॉन मेडिकल वाले तो टेबल बनाएंगे क्योंकि उसको थोड़ी हेल्प मिल जाती है। चलिए पहला स्टेप हर क्वेश्चन में दिया होगा मैक्सिमम या मिनिमम, जैसे मैं अगले क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा, फिर दूसरा किसके प्रॉफिट दिया हुआ है उसको लिख लीजिए और एक्स वाई क्या बनाएगा उसकी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी वो मार्केट से खरीदता है, अननोन चीज है। फिर स्टेप थ्री है, फिर मैं इसको बनूंगा कैसे, अब क्वेश्चन को पढ़ूंगा, जो जो आएगा वो लिख लूंगा। वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं डेकोरेटिव आइटम डीलर्स है, डील्स विद टू टाइप्स ऑफ आइटम, आराम से पढ़ना, वॉल हैंगिंग एंड आर्टिफिशियल प्लांट, ही हैज रुपीज 15,000 टू स्पेंड, लिखा हुआ है लाइन, कितने रुपए खर्च करना चाहता है, 15,000 रुपए, पर ये तो बताए नहीं वो 15,000 किस पे खर्च करना चाहता है, वो 15,000 लिखा हुआ है वॉल हैंगिंग पे खर्च करेगा 15,000, पढ़ना जरा, नहीं वो 15,000 आर्टिफिशियल प्लांट पे खर्च करेगा, ये तो उसने बताया था, कहां बताया, पढ़ लो, उसके पास जेब में 15,000 है वो किस पे खर्च करेगा, वॉल हैंगिंग पे नहीं लिखा, आर्टिफिशियल प्लांट पे नहीं लिखा। उसके बाद आगे पढ़ो, स्टोरेज स्टेमिना किसका है, कितना बताओ स्टोर कितना कर सकते हैं बताओ, 80 पीस, 80 पीस किसके स्टोर करेगा बताओ, वॉल हैंगिंग के नहीं, आर्टिफिशियल प्लांट के नहीं, किसके पीस करेगा, दोनों मिला के 15,000 रुपए वो मार्केट में गया है तो क्या खरीदेगा, वॉल हैंगिंग ऐसा नहीं बोला हुआ, आर्टिफिशियल प्लांट नहीं बोला हुआ, क्या बोला है, दोनों मिला के, तो देखेंगे दोनों मिला, आगे पढ़ो क्या दिया हुआ है, सोचो कॉस्ट दे रखी है, पढ़ लो कॉस्ट कितनी दे रखी है बताओ, पढ़ो कॉस्ट कितनी दे रखी है, रुपीज 300 पर यूनिट, और इसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है, रुपीज 150 पर यूनिट, हर एक वॉलिंग की कॉस्ट, एक वॉलिंग कितने कितने का, 300 का, आर्टिफिशियल कितने का, कितने का देगा, 150 का, और उसके पास अमाउंट कितना अवेलेबल है, मैक्सिमम जो घर से लेके जा रहा है, जो वो अपने स्टेट से लेके जा रहा है, अमाउंट अवेलेबल जहाँ होलसेल मार्केट में जाएगा अवेलेबल, कितने रुपए पड़े उसकी जेब में बताओगे, 15,000, वो इतने रुपए लगा सकते हैं, 15,000 रुपए उसकी जेब में नहीं है। फिर स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, कितना स्टोर करेगा, जो उसने दिया है वो इसको यहाँ लिख लो, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, पढ़ो जरा, पढ़ लो स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, कितने स्टोर कर सकता है वो, पढ़ना जरा, 80 पीस, पर ये कहां लिखा है किसी भी बुक में, 80 पीस किसके स्टोर करेगा, वो वॉल हैंगिंग के करेगा, ऐसा नहीं लिखा हुआ, आर्टिफिशियल प्लांट के करेगा, नहीं लिखा हुआ, किसके करेगा वो 80 पीस स्टोर, दोनों मिला के, तो 80 पीस क्या करेगा स्टोर, किसके, दोनों मिला के, जितने भी ये होंगे, जितने भी होंगे दोनों मिला लो तो कितने पीस स्टोर कर देगा, 80 पीस। अब इसको हमने क्या लिख देना है, बस और तो कुछ दिया नहीं पढ़ के थे, अब इसके हमने क्या लिख देना है, इनइक्वालिटी, और फिर हम 14.2 मिनट को सॉल्व कर लेते हैं, इसमें फॉर्मुलेट करते हैं, तो सबसे पहले क्या बना लो, प्रॉफिट वाली इक्वेशन, प्रॉफिट वाली क्या बनती थी, इक्वालिटी में, इक्वालिटी क्या आएगा, 50 रुपये एक यूनिट को बेच के प्रॉफिट होता है, तो यूनिट है कितने उसके पास, एक्स, तो प्रॉफिट कितना हो गया बताओ, 50x, और 18 रुपये एक यूनिट को बेच के होता है तो वाई यूनिट को बेच के कितना होगा, 18 × 12, फिर कॉस्ट कितनी दे रखी है बताओ, कॉस्ट 300 रुपया दे रखी है, कॉस्ट किसको बेच के बताओ, एक यूनिट को, वन यूनिट को, एक्स यूनिट को बेच के कितनी कॉस्ट होगी बताओ, 300x, तो इनइक्वालिटीज क्या आएंगी, कंस्ट्रेंट्स आएंगी, कंस्ट्रेंट्स क्या आएंगी, 300 रुपया एक यूनिट को बेच के आएगा, तो क्या आएगा बताओगे, 300x प्लस 150 एक को बेच के आएगा, कितना आएगा, 150 बार, और वो क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम अमाउंट उसकी जेब में कितने पैसे हैं बताओ, 15,000, तो 15,000 का तो मार्केट से सामान खरीद सकता है, पर 16,000 का नहीं खरीद सकता,
14,000 का खरीद सकते हैं क्योंकि मेरी जेब में 15,000 पड़े हैं। अब जो मेरा टोटल बनेगा वो मान लो 14,500 बन गया तो मैं खरीद लूंगा, पर मेरा टोटल कितने का बन गया बताओ, 17,000 का बन गया तो मैं खरीद लूंगा क्या? नहीं। तो क्या आएगा, 150 बाई लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, 15,000। अब स्टोरेज स्टेमिना दिया हुआ है, स्टोरेज स्टेमिना किसका है बताओ, दोनों को मिला के या स्टोरेज स्टेमिना, दोनों को मिला के कितना स्टोरेज स्टेमिना है सोचो, इसको भी है इसको भी, कितने इसके पीसेज है, इसके कितने पीसेज है भाई, दोनों मिला के आप कितने खरीद सकते हो मार्केट से सोचो जरा, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, ये बन जाएंगे आपकी इक्वेशन। जितने की मार्केट से खरीदते हैं उस पे 50 पे प्रॉफिट लिए तो वो लेंगे बेचा कितने का 350। देखो कोई बात कुछ तो चलिए, आ गया आपके पास x plus y less than equal to 80 आ गया। अब हमें पता है जो कॉमोडिटी होती है, जो आर्टिफिशियल प्लांट है या हॉल नहीं है, कभी नेगेटिव नहीं होती, सिंस जो कॉमोडिटी होती है, कॉमोडिटी जो चीजें आप लेते हो मार्केट से, वस्तुएं जो होती हैं, कॉमोडिटी उसको बोलते हैं, वस्तुओं को, कैन नेवर बी नेगेटिव। कभी हम ये नहीं कहते हमें -2 वॉल हैंगिंग दे दो, -3 आर्टिफिशियल प्लांट दे दो, -4 पेंटे दे दो, -2, ऐसे कभी नहीं कहते। हाँ, पर एक कंडीशन हो जाती है, कई बार हम मार्केट में जाते हैं कोई चीज़ लेने के लिए हमें पसंद ना आए तो हम बिना लिए वापस आ सकते हैं, रेयर पर होता है ऐसा सबकी लाइफ में कि पेंट शर्ट लेने गए पर पसंद नहीं आए तो वापस आ गए, मतलब ना पेंट खरीदी 0, शर्ट भी नहीं खरीदी 0, पर कभी ऐसा नहीं होता -2 पेंटे नहीं आए -3 शर्टे। तो कॉमोडिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, आइदर 0 हो सकती है जब आपको वो चीज़ पसंद ना हो या उस दुकान पे खत्म हो, आइदर 0, मान लो पेंट लेने के उसके पास पेंटे नहीं थी, वो वाली जो आपको चाहिए थी वो नहीं थी, जो वॉलिंग लेने के उसके पास खत्म था मार्केट में, आइदर 0 और पॉजिटिव। इसका क्या लेना देना है, इसका ये लेना देना है, दैट मींस जो एक्स कोमा वाई होगा, एक्स क्या है नंबर ऑफ वॉलिंग, वाई क्या है नंबर ऑफ आर्टिफिशियल प्लांट, कभी नेगेटिव नहीं होंगे, हमेशा क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये लिखनी पड़ेगी, तो क्योंकि x y क्या रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग, वो नेगेटिव नहीं होंगे, तो x भी ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0, चाहे अलग अलग लिख लो, x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या इन दोनों को आप कॉमन भी लिख सकते हो, x कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इक्वेशन कितनी होगी, 1, 2, 3 नहीं, 4, अब आपके नंबर बन जाएंगे। अब आप 14.2 में जाओ, इसको सॉल्व कर लो, 14.1 में इक्वेशन बनानी सिखाएगा, 14.2 में सॉल्व कराएगा, 14.3 जो बोर्ड में आनी है उसमें बनानी भी इक्वेशन और सॉल्व भी कर लो, आना जो क्वेश्चन है 14.3 से आने, मैंने पहले ही आपको बोल दिया। चलिए, बहुत टाइम लगा दिया इसमें, अब सेकंड है, अब हमने क्वेश्चन को थोड़ा समझा तो हमने उसका वीकनेस पॉइंट उठाया कि लास्ट या सेकंड लास्ट टाइम में मैक्सिमम या मिनिमम प्रॉफिट दिया होगा, तो हम पहला इस स्टेप को भरेंगे, फिर इसको उससे पहले मैं अगले क्वेश्चन में चलाऊँ या पढ़वाऊँ या पढ़ो, ये बोर्ड में नो नीड, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन है, बनाने से नंबर फालतू मिलेंगे नहीं, जो बच्चा नहीं बनाएगा उसके कटेंगे नहीं, पर ये तीनों चीजें लिखनी पड़ेंगी, टीचर एक्स और वाई किसके लिए जाएगा, जो आप उसको मेंशन करोगे उसी को एक्स वाई मान लेंगे। मान लो आपने कैपिटल एक्स को प्रॉफिट माना या स्मॉल एक्स को प्रॉफिट, तो स्मॉल एक्स को नंबर यूनिट कैसे वो सोचेगा, तो ये आपको तीनों चीजें मस्ट लिखनी पड़ेंगी और एक क्वेश्चन बनानी, ये बनाओ ना बनाओ आपकी मर्जी, दूसरा है, सेकेंड है। तो क्वेश्चन पूरा पहले पढ़ देता हूँ, उठाना तो अपने लास्ट या सेकेंड लास्ट लाइन से, सेकेंड क्वेश्चन, बुक हो तो ज्यादा बढ़िया है आपके पास, आप पढ़ो एक बार मेरे पढ़ाने से पहले, खुद पढ़ लो फिर मैं पढ़ा देता हूँ।
मेरे पास जो क्वेश्चन है वो एक कंपनी है मैन्युफैक्चरर कर रही है टू टाइप्स ऑफ स्क्रू वाला है, शायद नई बुक में पुरानी बुक में आगे पीछे होगा देख लेना, दो टाइप के स्क्रू बनाती है, नहीं है तो सुन लो उसको। ऑल द स्क्रू हैव टू पास थ्रू अ थ्रेडिंग मशीन एंड अ स्लॉटिंग मशीन, थ्रेडिंग और स्लॉटिंग मशीन वाला है, आगे पीछे देख लेना। ए बॉक्स ऑफ टाइप ए स्क्रू रिक्वायर्स 2 मिनट्स ऑन थ्रेडिंग मशीन एंड 3 मिनट्स ऑन स्लॉटिंग मशीन, टाइम दिया हुआ है स्लॉटिंग और थ्रेडिंग में कितना टाइम चाहिए। ए बॉक्स ऑफ टाइप बी कंटेन्स 8 मिनट्स ऑन थ्रेडिंग एंड स्लॉटिंग मशीन के लिए दिया हुआ है। इन अ वीक ईच मशीन इज अवेलेबल फ्रॉम थ्रेडिंग मशीन फॉर 2 मिनट एंड स्लॉटिंग के लिए दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। चलिए तो क्या दिया हुआ था, थ्रेडिंग स्लॉटिंग मशीन का टाइम दिया हुआ था, टोटल मशीन टाइम अवेलेबल जो दे रखी है 400 घंटे के लिए दे रखी है, सारा लिखा हुआ है। तो सारी रामायण पढ़ने के बाद हमें लास्ट लाइन में लिखा 1 यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट ए एंड बी आर लेबर आवर चाहिए 500 घंटे, द कंपनी वांट टू मिनी, तो कहते हैं इन वीक ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर 60 आवर ऑन सेलिंग दी स्क्रू, द कंपनी गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹100 पर बॉक्स ऑन टाइप ए स्क्रू एंड 170 ऑन टाइप बी स्क्रू, फॉर्मुलेट द अबव लीनियर प्राइम प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो मैंने आपको सबसे पहले ही आपको सिखा दिया कि लास्ट या सेकेंड लास्ट लाइन में ऐसा हो ही नहीं सकता किसी क्वेश्चन में ना लिखा हो कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज प्रॉफिट या कॉस्ट, ऐसा हो नहीं सकता। तो पहला स्टेप ही मैंने ये भर दिया आपको, स्टेप 1 में ये जेड लेना, जेड ले लो, पी लेना, मैंने पी लिया हुआ, आपने जेड लेना, आप जेड भी ले सकते हो। जेड क्या बताता है, ब्रैकेट में बताता प्रॉफिट को और क्या होना चाहिए मैक्सिमम, तो जेड क्या रिप्रेजेंट करेगा प्रॉफिट को, जो क्या होना चाहिए मैक्सिमम, तो लेट जेड रिप्रेजेंट मैक्सिमम, इसको मैंने जेड मान लिया, उसमें क्या हुआ कि मेरी जेड मानो पी मानो, तो क्वेश्चन कम से कम स्टार्ट तो हो गया, उतना तो शुरू हो गया। अब पूरे क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कहीं प्रॉफिट लिखा हुआ है, कितना किस पे प्रॉफिट है, देखो आराम से, क्या आपको दिखता है कहीं प्रॉफिट लिखा हुआ है। पूरा क्वेश्चन पढ़ा तो स्लॉटिंग और थ्रेडिंग मशीन का आया, बॉक्स रिक्वायर्ड टाइम आया, और ये दिखा हुआ है देखो, द कंपनी गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹100 पर बॉक्स ऑफ टाइप ए स्क्रू, ₹100 पर बॉक्स दिया हुआ है। स्टेप 2 क्या हो गया, ये आ गया स्क्रू ऑफ टाइप ए, स्क्रू ऑफ टाइप ए, और कितना आ गया ₹100 पर बॉक्स का, तो आ गया स्क्रू ऑफ टाइप ए, और भी दिया हुआ देखना ₹170 दिया हुआ, तो आपका एक बार क्वेश्चन स्टार्ट होना शुरू हो गया ना, ये दिया हुआ है स्क्रू ऑफ टाइप बी, एक्स और वाई, तो क्या रिप्रेजेंट करें, एक्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ, क्या रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ, क्यों बोला, एक बॉक्स पे ₹100 का प्रॉफिट है, तो एक्स बॉक्सेस पे कितना होगा वो निकाल लेंगे, बॉक्सेस ऑफ स्क्रू ऑफ टाइप ए, और ये क्या होगा, बॉक्सेस ऑफ स्क्रू ऑफ टाइप बी, बस यहाँ ये तो लिखने लिखने, इसके बिना नहीं चला पाओगे आप, और वो जरूर रखना बुक अपने पास। चलिए, कंपनी इज मेकिंग टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग टू टाइप्स ऑफ स्क्रू, अब बाकी का काम जो हम पढ़ेंगे और स्टेप 3 को भरेंगे। स्टेप 1 था, फिर से बात करूं तो ये क्या था स्टेप 1, और ये क्या है स्टेप 2। सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम लोग, मैक्सिमम या मिनिमाइज, मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमाइज कॉस्ट, तो वो देख रहे हैं। उसके बाद स्टेप 2 में हम क्या कर रहे हैं, जो चीज की रिक्वायरमेंट थी वो चीज आ रही है आपके पास, मेरा मतलब ये कॉस्ट प्रॉफिट किसका दिया हुआ है वो चीज को देख रहे हो आप। तो चलो, तो पहला स्टेप क्या होता है हमेशा, इसको बनना है, फिर स्टेप 2 क्या आएगा, इसको बनना है। अब क्या लोगे स्टेप 3, तो स्टेप 3 क्या आएगा, मैं इसको भरूंगा, पढ़ता हूँ क्वेश्चन को, जो बचेगा उसको इसमें भर दूंगा, देखो क्या लिखा है, पढ़ो जरा क्वेश्चन को शुरू से दोबारा से आराम से पढ़ो मेरे लिखवाने से पहले तुम लोग। वो कहता है कंपनी है मैन्युफैक्चर कर रही है टू टाइप्स ऑफ स्क्रू ए एंड बी, ठीक है बेटा ये तो याद रखो, ठीक है। द स्क्रू हैव टू पास थ्रू ए थ्रेडिंग मशीन एंड स्लॉटिंग मशीन, हर कोई थ्रेडिंग और स्लॉटिंग मशीन से पास हो रहे हैं। ए बॉक्स ऑफ टाइप ए स्क्रू रिक्वायर्ड 2 मिनट्स ऑन थ्रेडिंग मशीन, अब टाइम रिक्वायर्ड बाय थ्रेडिंग मशीन,
थ्रेडिंग मशीन से टाइम कितना चाहिए थ्रेडिंग मशीन को, लिखा हुआ है आराम से देख लो पढ़ के, लिखा हुआ है कितना लिखा होता है 2 मिनट। किसको चाहिए पर बॉक्स को, किसमें बोला थ्रेडिंग मशीन, एंड 3 मिनट किसमें चाहिए स्लोटिंग मशीन। स्लोटिंग मशीन में कितना चाहिए, कितना चाहिए स्लोटिंग मशीन में बताओ, 3 मिनट इसके लिए पर बॉक्स के लिए। मैं नहीं कह रहा, बुक ने कह रहा, मैं उसको लिख रहा हूँ जितना स्लॉटिंग के लिए चाहिए जितना थ्रेडिंग के लिए चाहिए वो दिया हूँ। 2 मिनट ऑन थ्रेडिंग मशीन के लिए, 3 मिनट ऑन स्लॉटिंग मशीन, बॉक्स बी रिक्वायर्स 8 मिनट, देखो दिखाओ ना बेटा 8 मिनट, 8 मिनट ऑन टाइप बी बॉक्स को चाहिए और 2 मिनट किसके लिए चाहिए बताओ स्लॉटिंग मशीन के लिए चाहिए। इन अ वीक, एक हफ्ते में Each machine is available for 60 hours. क्या मतलब हुआ? 60 घंटे के लिए हर मशीन अवेलेबल है, कितना वाला वीकली, एक वीक में कितना अवेलेबल है तो कितना मैक्सिमम टाइम अवेलेबल मशीन कितना अवेलेबल है, मैक्सिमम टाइम अवेलेबल कितना अवेलेबल है बताओ, ईच मशीन 60 घंटे के लिए हर मशीन अवेलेबल है। कहते हैं ऑन सेलिंग दिस क्रू द प्रॉफिट, प्रॉफिट तो मैंने लिख ही दिया ₹100, ₹15, तो कहता है वो क्या करो फॉर्मुलेट फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, अब फॉर्मूला बना देंगे, ये कितना दिया हुआ है 2 मिनट, ये कितना दिया है 8 मिनट, ये कितना दिया है 60 आवर्स, आवर्स को मिनटों में चेंज कर लो, 16 into 60 कितना हो गया 3600 मिनट, ये भी क्या आएगा 16 into 60 क्या आएगा 3600 बस ये दिया। तो जेड क्या आएगा सोचो, जेड क्या आएगा 100 रुपए पर बॉक्स के हिसाब से रहे तो क्या आएगा 100 into x 170 into 1। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स क्या आ जाएंगी, अगर आप कंस्ट्रेंट्स लिखना चाहते हैं तो कंस्ट्रेंट्स क्या आएंगी, 2 मिनट पर बॉक्स के लिए चाहिए तो एक्स बॉक्स के लिए कितने चाहिए सोचो, 2x प्लस 8 मिनट पर बॉक्स के चाहिए, वाई के लिए कितना चाहिए 8y, मैक्सिमम टाइम कितना अवेलेबल है बताओगे 60 आवर, तो मैक्सिमम टाइम के लिए मैंने लिखवाया था कौन सा, ज्यादा से ज्यादा कितने घंटे अवेलेबल है 60 घंटे, इससे ज्यादा टाइम अवेलेबल नहीं है तो क्या आएगा लेस देन इक्वल टू, बाकी अगर सिंपल नहीं समझ आते तो मैंने शुरू में लिखवा दिए, ये मिनट में ये मिनट में, तो ये भी क्या आएंगे मिनट में, तो 3 मिनट इसके लिए चाहिए स्लॉटिंग मशीन के लिए पर बॉक्स को, तो 2 मिनट क्या चाहिए टाइम बी के स्क्रू को स्लॉटिंग मशीन का 2y लेस देन इक्वल टू कितना चाहिए 36, और लास्ट में क्या आ जाएगा एक्स को वाई, जिनको पता चल गया वो थर्ड क्वेश्चन को पढ़ो, ये पेपर में बनाना जरूरी नहीं है, ये लिखने जरूरी है, ये वाले ये वाले ये वाले, ये क्वेश्चन फर्स्ट आ जाएगी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये आ जाएगी फोर्थ, बस चार ही क्वेश्चन, ये लिखना बहुत जरूरी है, बाकी आपकी चॉइस है टेबल बनाना है। तीसरा पढ़ो, थर्ड पढ़ो, इतने तक मैक्सिमाइज या मिनिमाइज दिया हुआ है, थर्ड पढ़ो आप क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के लास्ट में मिनिमम मैक्सिमम जरूर दिया होगा, बस वही चीज आपने पढ़ी, और उसी से आपने क्वेश्चन को उठा लिया। पढ़ो जरा थर्ड में, देखो क्या लिखा है, पढ़ो मैक्सिमम दिया या मिनिमम दिया हुआ है, देखो जरा मेरे पास जो है थर्ड, वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग 2 types of product A and B है, तो शायद आप में वो सेकंड क्वेश्चन ना हो पुरानी बुक में,
A company is making two types of product A and B. The cost of producing one unit of product A and B is rupees 60, rupees 80. As per the agreement, the company has to supply at least 200 units of product B to the regular customer. Regular customer को 200 units product B के देगी देगी. One unit of product A requires machine hour, whereas product B has machine hour available abundantly within the company. Total machine hour available for the product A are 400 hours. One unit of each product A and B require one labor hour and total 500 labor hour available. The company want to minimize the cost. तो सबसे last ऐसे कि last time में आई है. तो इसमें क्या आ गया? जेड. इसमें जेड क्या बता रहा है? Cost. और वो क्या नहीं चाहिए सोचो? Minimum. ये क्या आ गया आपका step one? यहाँ से step one होता है, यहाँ से question शुरू हो गया. अब cost कहीं लिखा हुआ है, पढ़ लो चाहे. दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है कॉस्ट? सोचो जरा, कॉस्ट दिया हुआ है रुपीज 60 और रुपीज 80. तो रुपीज 60 दिया हुआ है पर यूनिट किसके बदला? प्रोडक्ट ए के. और रुपीज क्या दिया हुआ है? 80 पर यूनिट किसके बदला? प्रोडक्ट बी के. एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ यूनिट्स. वाई क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ. किसके वाला? प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी. एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ यूनिट्स. किसके वाला? प्रोडक्ट ए के. वाई क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ यूनिट्स. किसके वाला? प्रोडक्ट बी के. तो पहले इसको लिख लो. जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मिनिमम कॉस्ट. एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी. अब क्वेश्चन को पढ़ लो. जो बीच का है वो स्टेप नंबर तीन में चला जाएगा. पहले स्टेप वन हो गया, ये स्टेप टू हो गया. यहां तक समझ आ गया है तो स्टेप थ्री में चलेंगे. सोचो हर क्वेश्चन में तीन सफों में खत्म हो जाएगा अगर आप टेबल बनाते हो. नहीं बनाते कंपल्शन तो है नहीं है, पर ये एक्स वाई जेड लिखना बहुत जरूरी है. क्या क्या बता रहे हैं आपको? ठीक है यहाँ तक? अब चलो जरा जितना समझ आता उतना लिखते हैं. क्या दिया हुआ है? पढ़ना आराम से. कंपनी मेकिंग टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी. ठीक है, हो गया. कॉस्ट भी होगी 80 और 60, 60 और 80 कॉस्ट भी होगी. आगे देखो. एज पर द एग्रीमेंट, मतलब कंपनी जब खोली तो एग्रीमेंट पहले ही हो गया. क्या देगी? द कंपनी हैज टू सप्लाई. कितने देगी? एटलीस्ट 200 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए दिया हुआ है. 200 यूनिट जो प्रोडक्ट ए के दे रखे हैं? नहीं. दोनों मिला के 200 यूनिट दे रखे हैं? नहीं. कितने दिया हुए बताओ? एटलीस्ट कितने देगा बताओ? 200 यूनिट. किसके देगा? प्रोडक्ट बी के. उसने सीधा तो लिखा हुआ, इससे ज्यादा और क्या क्लियर लिखेगा? एग्रीमेंट जब हुआ किसी भी के साथ, फैक्ट्री वाले के साथ या दुकानदार के साथ, क्या हुआ? प्रोडक्ट बी के कितने प्रोडक्ट देगा? 200. प्रोडक्ट ए के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं, दोनों को मिला के कोई एग्रीमेंट नहीं. उसका करार जो हुआ वो कितने के लिए हुआ? प्रोडक्ट बी के. कितने यूनिट देगा? 200 यूनिट. देख लो, पढ़ लो चाहे, देखो पढ़ो. 200 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी. साफ लिखा हो उसने, मैंने तो नहीं इसमें कह रहा. आगे पढ़ो, देखो जरा. टू द रेगुलर कस्टमर, जो भी उसका रेगुलर था, वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए, मतलब प्रोडक्ट ए का वन यूनिट requires one machine hour. तो time required by machine, जो मशीन में लगता है वो कहता है product A को बनाने में. product A जब बनता है, मान लो product A या टीवी है, मान लो या टेबल है, टेबल है और ये चेयर है, मान लो product B. टेबल को बनाने में मशीन में कितने घंटे लगेंगे? कहता है एक घंटा लगेगा पर यूनिट को बनाने में. पढ़ लो चाहे, एक घंटा पर यूनिट आराम से पढ़ लो. प्रोडक्ट ए का दिया, प्रोडक्ट बी का के दोनों का ए का दिया हुआ, पढ़ लो. अब बी का कितना दिया हुआ पढ़ो जरा. वो कह रहा है वन मशीन, वेयर एज प्रोडक्ट बी हैज मशीन आवर. प्रोडक्ट बी भी मशीन आवर रखेगा अवेलेबल अबंडेंटली विद इन द कंपनी. अबंडेंट का मतलब है रोक लगाना. क्या मतलब? ए प्रोडक्ट को बनाने में कितने घंटे लगते हैं? एक घंटा. प्रोडक्ट बी में
कहता है मशीन जो होगा अवेलेबल एबंडेंटली, मतलब रोक लगा दी, मतलब खराब हो गई है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट बी को बनाने के लिए मशीन में रोक लगा दी, तो मशीन के कितने घंटे चाहिए? कुछ भी कहा लिखा प्रोडक्ट बी को बनाने में मशीन के कितने घंटे चाहिए? ए को बनाने के लिए कितना घंटे चाहिए मशीन का? 1 घंटा। बी को बनाने के लिए अवेलेबल अबंडेंटली मतलब रोक लगाना, मतलब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसकी बना? मशीन की। और टोटल मशीन अगर कहीं दिया हुआ है, टोटल मशीन अगर अवेलेबल प्रोडक्ट ए के लिए, देखो सिर्फ प्रोडक्ट ए भी लिखा, देखो बी का कहाँ लिखा पड़ रहा, प्रोडक्ट ए को लेने के लिए टोटल मशीन अवर कितने चाहिए? टोटल मशीन टोटल मशीन अवर उसके पास 400 घंटे अवेलेबल है। मतलब मैं मशीन लाया मार्केट से तो मेरे पास कितने घंटे के लिए लेके आया? 400 घंटे के लिए। तो मैं उससे कितना काम कराऊंगा मशीन ऐसे बताओगे? 400 घंटे। 500 घंटे काम करा लूंगा मैं मार्केट से, मान लो रेंट पे मशीन लेके आया 400 घंटे के लिए, तो मैंने 400 घंटे काम करा लिया, 500 घंटे करा लूंगा? नहीं। 350 घंटे करा सकता हूँ? करा सकता हूँ। क्या बीच में लाइट ना हो आधा घंटा, तो 350 घंटे चल जाएगी मशीन। आगे भी दिया हुआ है, हाँ क्या दिया हुआ है? लेबर, और लेबर मतलब जो मिस्त्री मजदूर लगे हुए इसको काम करने में, लेबर आवर भी दिए हुए। कितना लिए बताओगे लेबर आवर? लेबर आवर दिया हुआ है क्या? 1 यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट, हर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट ए एंड बी रिक्वायर्ड 1 लेबर आवर। देखो 1 आवर चाहिए 1 यूनिट को, पढ़ लो चाहे, और 1 आवर ही चाहिए प्रोडक्ट बी को, इसमें दिया हुआ है। इसमें तो दिया ही नहीं हुआ, सोच लो आप क्वेश्चन मार्क है जैसा है वैसे। और टोटल लेबर आवर देख लो, पढ़ो कितने दिए हुए बताओगे? बस पढ़ लो आप, चाहे नहीं समझ आए दोबारा आप पढ़ो, जिस लाइन का मतलब नहीं समझ आए उससे पूछ लो। क्या आपको कॉस्ट समझ में आ रही है? लिखी हुई है, उसके बाद लिखा है कहीं पे मशीन बनाती है उन चीजों को, इसको बनाने में कितना घंटे चाहिए? 2.5 घंटा। इसमें कोई टाइम नहीं दिया हुआ, और 400 घंटे किसके लिए दिए? पढ़ लो प्रोडक्ट ए के लिए, तो बी का कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब बी है ही नहीं, बी तो है ही नहीं। फिर ये तो मशीन की बात होगी, फिर लेबर भी लगी उसको बनाने में, तो लेबर को कितना टाइम चाहिए? 1 घंटा। और इसको बनाने के लिए भी कितना घंटे चाहिए? 1 घंटा। लिखा नहीं हुआ 1 आवर ऑफ ईच प्रोडक्ट देख लो, और टोटल टाइम कितना उसके पास अवेलेबल है? 500 घंटे। तो कहते हैं इसकी फॉर्मेट तो बनाओ, इसकी इक्वेशन जेड देखो कितना है, बस और तो कुछ दिया नहीं है। जेड बताओ 60x 80y। कंस्ट्रेंट्स देखो क्या आएंगे, इसको बनाने में 1 घंटा चाहिए 1 x, इसको बनाने के लिए टाइम नहीं चाहिए 0 y, टोटल टाइम टोटल मशीन अवर 400 घंटे के लिए अवेलेबल है, 400 या उससे कम घंटे के लिए काम करा सकते हो। अगला क्या आएगा? 1 x 1 y लेस देन इक्वल टू 500 घंटे के लिए काम करते, जो नंबर ऑफ यूनिट्स है कभी नेगेटिव नहीं होते, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिंस नंबर ऑफ यूनिट्स कैन नेवर बी नेगेटिव आइदर 0 और चलिए ये दोबारा पढ़ लेना एक बार क्वेश्चन को, समझ आती है। फोर्थ पढ़ो आसान है, चलिए जल्दी 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 आप पढ़ दीजिए, देखो जरा फोर्थ पढ़ो मेरे पढ़ाने से पहले, पढ़ो भाई फोर्थ पढ़ो मेरे में कौन सा पढ़ देता हूँ। एक फर्म में मैन्युफैक्चरिंग 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी, सेल्स एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹2 ऑन टाइप ए ₹3 ऑन टाइप बी, पढ़ो जरा देखो तुमसे बनती है इक्वेशन, बनाओ जरा 2 मिनट लगा के, फोर्थ की बनाओ जरा इक्वेशन, सबसे लास्ट सेकेंड लास्ट स्टेप मैक्सिमम मिनिमम प्रॉफिट निकालना, फिर दूसरा स्टेप ये तीसरा बनाओ जरा। बनाओ जरा 2 मिनट लगाओ, टाइम ना लगवाओ, सब चीजें पढ़ो जरा और कराओ जरा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ो, फोर्थ क्वेश्चन कराओ जी। देखो सबसे लास्ट या सेकेंड लास्ट लाइन में कुछ दिया हुआ है, देखना
मैक्सिमम क्या दिया हुआ है देख लो, ये स्टेप वन है, बार बार क्या लिखना है, जेड क्या है जो क्या दिया मैक्सिमम। अब क्वेश्चन को पढ़ो, कहीं प्रॉफिट लिखा हुआ है देखो जरा, पहली लाइन में लिखा हुआ है कितना दिया हुआ है, रुपीज टू पर यूनिट ऑफ टाइप ए, टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ए है, स्टेप टू है, ये किसके लिए आएगा, प्रोडक्ट ए के लिए है जो, और एक प्रोडक्ट बी के लिए कितना प्रॉफिट दे रहा है, रुपीज थ्री पर यूनिट, ये क्या आएगा एक्स, ये क्या आएगा तो जेड, जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम, अब इस बार मिनिमम कॉस्ट नहीं है, क्या रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम प्रॉफिट, एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, वाई पर भी, अब देखते हैं क्या, अभी एक फर्म मैन्युफैक्चर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी, प्रॉफिट दिया हुआ है दो और तीन रुपए, ईच प्रोडक्ट इज प्रोसेस्ड इन टू मशीन्स, टाइम रिक्वायर्ड, टाइम कितना चाहिए बाय मशीन वन मशीन टू, टाइप ए रिक्वायर्ड वन मिनट प्रोसेसिंग टाइम ऑन मशीन वन, वन मिनट चाहिए पर यूनिट को बनाने में, एंड टू मिनट ऑन एम टू, और दो मिनट ही चाहिए पर यूनिट को बनाने में, टाइप बी रिक्वायर्स वन मिनट ऑन मशीन वन, वन मिनट चाहिए साफ लिखा हुआ है, और ये भी दिया हुआ है टाइप बी के चाहिए लिखा हुआ है, और वन मिनट ही किसमें चाहिए मशीन टू में, पढ़ ले भाई बुक में से, द मशीन एम वन इज अवेलेबल नॉट मोर देन, नॉट मोर देन, तो मैक्सिमम टाइम कितना अवेलेबल है, मैक्सिमम टाइम अवेलेबल मशीन कितने टाइम के लिए अवेलेबल है, मशीन वन 6 hours 40 minutes के लिए अवेलेबल है, 6 hours 40 minutes मिनटों में चेंज कर लो, सारा क्वेश्चन मिनट में तो इसको भी मिनटों में चेंज कर लो, और टाइम मशीन टू किसके लिए अवेलेबल है 10 hours के लिए, 6 hours 40 minutes का मतलब क्या हो गया 400 minutes, 6 hours में कितने मिनट होंगे 360 और प्लस 40 कितने मिनट हो गए 400 minutes, और इसमें कितने हो गए 10 hours में 600 है। आगे दिया हुआ है बस वही दिया हुआ है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, प्रॉफिट को क्या कर दो मैक्सिमम, और तो कुछ बचा नहीं, बस टाइम ही तो दिया हुआ है, कुछ और भी दिया हुआ है क्या देखना, कुछ और भी दिया हुआ है ना, और तो कुछ भी नहीं दिया, बस आंसर आ गया, जेड क्या आएगा देख लो, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस थ्री वाई, कंस्ट्रेंट्स क्या आएंगे एक्स प्लस वाई, मैक्सिमम टाइम इतना अवेलेबल है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगा सकती, 400 घंटे इसके अवेलेबल है, इसमें कितना आ जाएगा 2x plus y less than equal to 600, x comma y greater than equal to 0, खत्म हो गया, बताओ टाइम कितना लगा, पांचवा पढ़ो जिसने कर लिया, कोई एक भी क्वेश्चन समझ आ गया ये तो सीधा ही दिया हुआ है, कोई एक क्वेश्चन भी समझ आ गया चल जाएगा, पांचवा पढ़ो, पांचवा देखो कर लोगे तो मैं छठा करूं, पांचवा करो खुद होता है तो मैं छठा करूं, जल्दी करो टाइम ना पास करो कोई भी, पांचवी में साफ ही दे रखी है ये सारी इक्वेशन, सबसे लास्ट लाइन में दिया हुआ है पढ़ लो आप, सबसे लास्ट की लाइन में लिखा हुआ है मैक्सिमम क्या दे रहा है प्रॉफिट, जेड क्या बताएगा जो क्या होना चाहिए बताओगे, वो कह रहे हैं फर्म मैन्युफैक्चर थ्री प्रोडक्ट्स, इस बार तीन प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट एक बढ़ेगा
तीन पार्ट बोल दिया, एक मैन्युफैक्चरर है, एक फॉर्म मैन्युफैक्चर, तीन प्रोडक्ट ए बी सी। द प्रॉफिट दिया हुआ है, सीधा ही दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? रुपीज थ्री पर यूनिट को, रुपीज टू पर यूनिट को, रुपीज फोर पर यूनिट को। किसके वाला? प्रोडक्ट ए के, प्रोडक्ट बी के, प्रोडक्ट सी के। कहता है एक फर्म है मैन्युफैक्चर करता है, तो स्टेप वन तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, पहले यहीं से हम शुरू करते हैं, फिर स्टेप टू ये ले लेते हैं, फिर स्टेप थ्री हम यहाँ भरेंगे, और उससे पहले हम लिख देते हैं एक्स वाई टी ले लेते हैं, जेड तो हमने पहले यूज किया। जेड क्या रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम प्रॉफिट। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर यूनिट प्रोडक्ट ए। वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर यूनिट प्रोडक्ट बी। जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट सी भी है, इसमें तीन प्रोडक्ट है। कहता है टाइम रिक्वायर्ड बाय द मशीन दिया हुआ है, टाइम रिक्वायर्ड बाय मशीन, टाइम रिक्वायर्ड मशीन वन टू थ्री, तीन मशीनों ने कितना टाइम दिया हुआ है? मशीन वन को कितना चाहिए? लिखा भी हुआ है मिनट में, देखो इन मिनट में दिया हुआ है, चार मिनट चाहिए पर यूनिट को बनाने में। मशीन एम टू, दो ही मशीन है, मशीन एम टू कितने चाहिए? दो मिनट। इसको कितना चाहिए? तीन मिनट पर यूनिट को बनाने में, इसमें दो मिनट, पांच मिनट पर यूनिट को बनाने में, और ये क्या दिया हुआ है? चार मिनट। अब आगे भी दिया हुआ मशीन M1 and M2 has 2000 and 2500 मशीन मिनट्स रिस्पेक्टिवली। टाइम कितना अवेलेबल है मशीन के पास? मैक्सिमम टाइम अवेलेबल कितने मिनट है? 2000, और इसके लिए मिनट में ही दिया हुआ है 2500 मिनट अवेलेबल। The firm must manufacture, ये भी दिया हुआ है, must नहीं must manufacture, manufacture करेंगे, कितने manufacture करेगा बताओगे? 100 of product A, 200 of product B के बनाने बनाने से, but not more than 150 A, 50 भी C के बनाएंगे बनाएंगे, must manufacture, Not more than B, उससे ज्यादा भी नहीं बना सकता। 150 of product A दिया हुआ उसने क्वेश्चन, मतलब प्रोडक्ट ए के जरूर जरूर बनाएगा 100, पर 150 से ज्यादा नहीं बनाएगा। पढ़ लो, वो कह रहा है तीन प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, उनका प्रॉफिट भी दे रखा है, तो मैंने तो वही लिखा जेड क्या रिप्रेजेंट करता, तो जेड क्या आएगा? 3x, यहाँ तक तो ठीक है, 2y, 4 of D हो गया। अब constraint दे रखी है inequalities, क्या constraint है? 4 मिनट इस मशीन के लिए, 3 मिनट, 5 मिनट, इतना अवेलेबल है वो, तो कितना आएगा? 4x, 3y, 5t, मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है लेस देन इक्वल टू 2000, फिर 2x, 2y, 4t, लेस देन इक्वल टू कितना है? 2500 अवेलेबल, किससे ज्यादा टाइम अवेलेबल नहीं है, दिया हुआ है कंपनी मस्ट मैन्युफैक्चर। मस्ट का मतलब समझते हो, इतने तो बनाएगी बनाएगी, प्रोडक्ट ए के कितने बनाएगी बताओ जरा? कंपनी ने बनानी बनाने प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए कितना था? एक्स, कितने बनाएगी? 100 यूनिट्स, 100 यूनिट तो बनाएगी बनाएगी, तो इसका मतलब क्या बनाएगी? 100 बनाएगी, या उससे कम बनाएगी बताओ? 100 बनाएगी, उससे कम नहीं। क्या लिखा है? मस्ट मैन्युफैक्चरिंग का मतलब समझते हो, इतने 100 तो उसको बनाने ही बनाने, 90 बना सकती है, 110 बना सकती है, 100 उसने ये तो ना कहा एग्जैक्टली 100 बना रही है, उसने क्या बोला है? मस्ट मैन्युफैक्चरिंग, तो 100 बनाएगी उससे ज्यादा भी, तो वाई कितने बनाएगी बताओगे? और जेड कितने बनाएगी बताओगे? लिखा हुआ है, बट आगे भी एक लिखा हुआ है, ये देखो क्या लिखा है,
नॉट मोर देन, इससे ज्यादा नहीं आएगी, किससे ज्यादा 150। तो x पे एक और कंडीशन लिखी हुई है, z ने t है सॉरी, क्या लिखी है, x इज लेस देन इक्वल टू 150, बस आंसर आ गया। x कॉमा y कॉमा t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखोगे तो चल जाएगा, क्योंकि पहले वो x भी 100 से बड़े हैं, y भी 200 से बड़े हैं, t भी 50 से बड़े हैं, तो 0 से तो बड़े होंगे होंगे, लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना। ये तो क्वेश्चन में दिया हमें, सोचो पढ़ना जरा, क्या कह रहा है x, क्या बता रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट है, वो कितने बनाने हैं, 100 कम से कम जरूर बनाने हैं, तो 100 बनाएगा या उससे, y t और x क्या होगा, लेस देन इक्वल टू, क्यों, क्योंकि x को 150 से ज्यादा नहीं बना सकता। ये बात अलग है कि बुक वाला इन दोनों को इकट्ठा कर ले और वो इस दोनों की जगह क्या लिख दे, बताओगे x लेस देन इक्वल टू कितने होंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होंगे, तो बुक वाला इन दोनों को इकट्ठा कर लेता है, ऊपर वाले को नीचे, मैंने अलग अलग लिख दिया, तो क्या हुआ, पढ़ो अगला क्वेश्चन। सिक्स पढ़ो क्वेश्चन जरा फटाफट से, डाइटिशियन वाला होगा, विटामिन ए एंड बी आर फाउंड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स वाला है, पढ़ो जरा सिक्स क्वेश्चन। विटामिन ए एंड बी वाला है, विटामिन ए एंड बी आर फाउंड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, F1 एंड F2, वन यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन्स 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, वन यूनिट ऑफ फूड F2 कंटेन्स 4 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट ऑफ विटामिन बी, वन यूनिट ऑफ फूड F1 F2 कॉस्ट भी दे रखी है ₹5.25, द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट दे रखी है पर्सन की विटामिन ए एंड बी की 40-50, अज्यूमिंग दैट एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट इज नॉट हार्मफुल, find out the optimum mixture of food F1 F2 at the minimum cost which meet the daily minimum requirement of vitamin A and B, formulate the above linear program, to diya hua hai jo kya diya hua hai maximum profit ya minimum cost, to de rakhi hai question mein, is question mein minimum cost de rakhi hai aur upar cost ka zikr kiya hua hai, padh lo step 1 hai, z kya represent karegi cost ko, jo kya hoga diya hua hai, कितनी कॉस्ट दी हुई है, पढ़ो जरा रुपीस, पढ़ी मैंने अभी थोड़ा सा ध्यान दिया तो पढ़ी थी, रुपीस 5 क्या दिया हुआ है, 1 यूनिट ऑफ फूड पर यूनिट और रुपीस 2.5 पर यूनिट, किसका दिया हुआ है, स्टेप 2 है, किसका दिया हुआ है रुपीस 5 पर यूनिट, फूड F1 का, और ये क्या दिया हुआ है, फूड F2 का, रुपीस दिया हुआ है फूड F1 और फूड F2, रुपीस 5 पॉइंट क्या दिया हुआ है फूड F1 के ऊपर, रुपीस 2.5 पॉइंट ऑफ फूड F2, हियर जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिमम मिनिमम कॉस्ट, एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्वांटिटी, फूड क्या होती है क्वांटिटी में, क्वांटिटी बता रहे हैं और फूड वाई क्या रिजन कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ फूड है। अब क्वेश्चन को पढ़ो, जहां जो दिया उसको भर लो, मेरा मतलब स्टेप तीसरा भरना रह गया, वो कह रहा है विटामिन ए एंड बी are found in two different types of food F1 and F2. One unit of food F1 contains 2 units of vitamin A. Vitamin A की quantity दे रखी है, हाँ। Vitamin A कितना चाहिए? भरा हुआ है। Vitamin A 2 unit भरा हुआ है। Per unit of food F1 बोला हुआ है। हर unit of food F1 में 2 unit क्या है vitamin के? 3 यूनिट क्या है विटामिन बी के हैं मेरे ख्याल से,
और 1 unit of food F2 contains 4 units per unit of food F2 and 2 units of vitamin B के भी दे रखे हैं, 2 units per unit of B, 1 unit of food F1 F2 cost दे रखे ₹5, ₹2.5. The minimum daily requirement of person, कम से कम requirement बताओ person की क्या होगा? The minimum daily requirement of the person for vitamin A and B is, देखो ये दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? minimum daily requirement समझते हो, हर रोज की requirement कितनी दे रखी है सोचो जरा, requirement दी हुई है ना, मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट देखो कितनी दे रखी है, ए एंड बी की क्या दे रखी है 40 है, तो इसके कितनी दे रखी है 40 यूनिट्स चाहिए विटामिन ए की, और क्या चाहिए 50 यूनिट्स बोला हुआ है, इससे ज्यादा भी अगर वो विटामिन ले ले तो उसके लिए हार्मफुल नहीं है बोला हुआ है, तो अपन ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, कर देंगे, कंस्ट्रेंट्स क्या आएंगे इसमें सबसे, जेड क्या आएगा बताओगे 5x + 2.50y, इनइक्वालिटीज क्या आएंगी कंस्ट्रेंट्स बताओ, 2 यूनिट पर यूनिट ऑफ फूड f1 में, तो x यूनिट ऑफ फूड f1 में कितना है 2x 4y, मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट समझते हो, मिनिमम का मतलब क्या होगा कम से कम, इससे ज्यादा भी हो सकती है हाँ, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 3x + 2y, एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, आठवां पढ़ लो, आठवां सबके पास होगा क्वेश्चन क्या है, अनिल वांट टू इन्वेस्ट है, आठवां पढ़ लो, इनमें इक्वेशन बनानी, अगली में सॉल्व करनी है 14.3 में, दोनों मिला के हो जाएंगे, अनिल वांट टू इन्वेस्ट एट मोस्ट 12,000 है, अनिल 12,000 पे इन्वेस्ट करना चाहता है, एक तो एनएससी मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, एक सेविंग बॉन्ड में, कुछ रूल होते हैं ये पोस्ट ऑफिस में होते हैं दोनों के दोनों, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस में होते हैं, बैंकों में नहीं होते, उनके कुछ रूल होते हैं अपने, कहता है वो कम से कम 2,000 पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में और 4,000 पे सेविंग बॉन्ड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलता है उसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% सेविंग सर्टिफिकेट पे और सेविंग बॉन्ड पे 10%, कितना पैसा किस में लगाए टू अर्न मैक्सिमम ईयरली इनकम, ईयरली मतलब समझते हो सालाना इनकम उसकी क्या हो जाए मैक्सिमम हो जाए, तो जेड क्या रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम किसको बोला, ईयरली इनकम को, ईयरली सालाना इनकम को, तो जेड क्या रिप्रेजेंट करते हैं इनकम को जो उसकी हो जाए, और वो क्या होनी चाहिए मैक्सिमम, और यह इनकम कैसे होगी ब्याज वाली, मेरे पास अगर 12,000 रुपये बैंक में जमा करा दिए, साल बाद मुझे 12,000 की जगह 15,000 मिलते हैं, तो मेरी इनकम कितनी होगी 15,000, गलत हो 3,000, 12,000 तो मैंने खुद ही जेब से लगाए मान लो बैंक में, साल बाद उसने मुझे 15,000 उठा दिए 12,000 के, मैंने सारे पैसे निकाले 12,000 के 15,000, तो मेरी इनकम कितनी सालाना इनकम कितनी ईयरली की 15,000 थोड़ा हुई 3,000 हुई, तो इंटरेस्ट ही मेरी इनकम हुई, तो दिया हुआ उसमें, कहता है जेड क्या बता रहा है इनकम वो क्या होनी चाहिए मैक्सिमम, दिया हुआ है कितना दिया हुआ है इनकम वो होगी जो मेरा इंटरेस्ट मुझे बैंक देगा, मुझे बैठे 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 बिठाए जो पैसे मिलेंगे, तो 8% दे रहा है, क्या दे रहा है सोचो जरा, इनकम कितनी दे रहा है 8% दे रहा है, 8% किसके ऊपर दे रहा है बताओगे, ईयरली दे रहा है क्या दे रहा है, पर अनम दे रहा है, 8% पर अनम का दे रहा है पूरे साल का, किस पे दे रहा है एनएससी पे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे, और 10% किस पे दे रहा है पर अनम, किस पे देगा सेविंग बॉन्ड पे,
दो जगह पैसे लगाना चाहता हूँ, सेविंग बॉन्ड में और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में। तो सेविंग बॉन्ड में मुझे कितने रुपए मिलते हैं? 10% का मुझे क्या मिलता है? अनिल वांट टू इन्वेस्ट 12,000 रुपए टू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड सेविंग बॉन्ड। अकॉर्डिंग टू रूल ही हैज टू इन्वेस्ट एटलीस्ट, कुछ रूल है जिसके अकॉर्डिंग उसको चलना पड़ेगा। स्टेप नंबर टू, स्टेप थ्री है। तो जेड क्या रिप्रेजेंट करता है बताओगे? मैक्सिमम उसकी इनकम, मैक्सिमम से मैक्सिमम। एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? अमाउंट जितनी इन्वेस्ट होगी, इन्वेस्ट इन नेशनल सेविंग, और अमाउंट कितनी इन्वेस्ट होगी सेविंग बॉन्ड में। जेड क्या रिप्रेजेंट करता है? जेड क्या आएगा? जितना पैसा हो कमाएगा। अब स्टेप थ्री में क्या कह रहे हैं? कम से कम रूल क्या कह रहे हैं? एटलीस्ट कम से कम अमाउंट जो इन्वेस्ट करना चाहता है वो कितनी करना चाहता है, इसमें कितनी करनी पड़ेगी उसको? 2000 पढ़ लो। और टाइप ए में 2000 इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, और टाइप बी में कितनी करनी पड़ेगी बताओगे? 4000 पढ़ लो। और टोटल अमाउंट उसके पास कितनी अवेलेबल है बताओगे जो उसकी जेब में थी? टोटल अमाउंट कितनी अमाउंट अवेलेबल थी? 12,000। बस और तो नहीं कुछ दिया हुआ पड़े से, और भी क्या कुछ दिया हुआ है देख लो। मना जेड क्या आएगा आप बताओ? जेड कितना आ रहा है? जेड कितना आएगा जो इनकम बनेगी उसकी? जेड 8% पर अनम है। तो 8% किसका भला? 8% ऑफ जितना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा प्लस 10% ऑफ वाई। तो क्या हो जाएगा? जेड इक्वल टू और 8/100 इंटू 10/100 इंटू वाई। और कंस्ट्रेंट्स कितनी बनेंगी सोचो? कितने रुपए कम से कम लगाना चाहेगा एनएससी में? कम से कम उसकी कंडीशन है, कम से कम कितने रुपए लगाएगा? 2000 एटलीस्ट का सोचते हैं। और वाई में कितना लगाएगा बताओ? वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4000। पर दोनों को मिला के कितना वो पैसा लगा सकता है सोचो? 12,000 मेरी जेब में, तो मैं दोनों को मिला के कितना पैसा लगाऊंगा? 12,000 या उससे कम, उससे ज्यादा कैसे लगा पाऊंगा? 2000 कम से कम ये लगाना, तो इसमें 3000 भी लगा सकता हूँ, 4000 भी, इसमें 4000 लगाना है, 5000 6000, तो दोनों मिला के 12,000 से ज्यादा जाऊंगा। क्यों? अगर जाऊंगा तो पैसे ही थे मेरी जेब में, तो लगाऊंगा। और एक्स को मैं वाई क्या आएगा? वैसे वो इसमें आ गया अगर समझते हैं, जो बच्चे समझते हैं उसको ये लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? यहाँ पे एक्स किससे बड़ा है? जो चीज 2000 से बड़ी है वो 0 से तो बड़ी होगी, सोच लो नंबर लाइन बना लो, ये 0 है 2000 है। एक चीज 2000 से बड़ी है तो क्या वो 0 से बड़ी नहीं होगी? कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा सोचो? 2000 से बड़ा ही तो होगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती है। लिखना है तो आपके मन नहीं मानता, तो आपको नहीं कुछ समझ बनती, तो लिख लेना, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, नो नीड लिखना, इसी के अंदर वो होती है। तो क्या आएगा? एक्स कॉमा वाई क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा? 0। नो नीड कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ये मतलब। चलिए बाय।